और हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश पांडे राजधानी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। रजनीश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हमने सुनी, उन्होंने सही कहा कि हम ऐसे नीति नियम और बंधनों में पले बढ़े हैं जहां प्रकृति को परमेश्वर माना जाता है, उसे सजीव माना जाता है, लेकिन जिस प्रकार हम अपनी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और तमाम तरह के प्रदूषण जो है उनको बढ़ा रहे हैं। आप जहां पे खड़े हैं, जानना चाहेंगे आपसे किस प्रकार आप देखते हैं जो चेंजेस हो रहे हैं प्रदूषण की वजह से और किस तरह हम अपने पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, क्या राय है आपकी? अब देखिए, मैं इस समय रिवर फ्रंट पे खड़ा हूँ और पीछे मेरे गोमती का नज़ारा है। आप देख सकते हैं, जिसको जीवनदायिनी नदी माना जाता है लखनऊ के लिए, उसकी हालत इतनी ख़राब है। पर्यावरण के अगर लिहाज से बात करें तो लगातार जो रिपोर्ट आ रही लखनऊ के लेके कि विश्व का जो प्रदूषित शहर है उसमें लखनऊ का नंबर है। तो जैसे सरकार उसके लिए दावे जरूर करती है प्रदूषण को लेकर, लेकिन जो ज़मीन पर काम होना चाहिए ऐश्वर्या, वो लखनऊ सहित जो प्रदूषित शहर है वहाँ काम नहीं हो पा रहा है। रजनीश, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आपने गोमती नदी का नज़ारा दिखाया, वहाँ पे पानी किस प्रकार प्रदूषित है, राजधानी लखनऊ में भी जो प्रदूषण का सूचकांक है, जो जिसे आप कहते हैं एक डेंजर रेट है, वो कहाँ तक पहुँच चुका है? जो पर्यावरणविद हैं वो किस प्रकार इसे एक खतरे का संकेत मानते हैं? अब देखिए, अगर लखनऊ की ही बात करें तो जो यहाँ की एयर क्वालिटी क्वांटिटी आई है बड़ा ही चिंताजनक है और लगातार जो रिपोर्ट आ रही है, हालांकि लखनऊ कभी औद्योगिक शहर नहीं रहा, लेकिन लगातार जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, खराब सड़कें हैं, वो उसका बड़ा कारण है शहर को प्रदूषित करने में। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सूचकांक आया है, जो नंबरिंग आया है, वो लखनऊ का टॉप पे रखा गया है, तो ये सोचने वाली बात है। हालांकि मैंने पहले ही कहा कि सरकार योजना जरूर बनाती है, 17 विभागों को लेके प्लान बनाया गया, लेकिन जो काम जमीन पे दिखना चाहिए वो जमीन पे काम दिखाई नहीं दे रहा है। जी, ये भी जानना चाहेंगे रजनीश आपके, प्रदूषण के जो आंकड़े हैं वो कहां तक पहुंचे हैं, राजधानी लखनऊ में मानक क्या है इस वक्त प्रदूषण के? देखिए, जो मानक है जो चल रहा है 2.4 और जो अलग अलग रेशियो आते हैं, अलग अलग शहर के रेशियो आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि उसके बाद सरकार चेत नहीं रही है। मैंने पहले ही कहा है कि 17 विभागों को लेके जो एक योजना बनाई थी, उस योजना को कोई मूर्त रूप नहीं दे पाई सरकार ने। चिंता सबको है, एयर कंडीशन में बैठ के अधिकारी प्लान जरूर बनाते हैं, चिंता सबको है, लखनऊ वासियों की जिम्मेदारी है, लेकिन जो काम होना चाहिए पर्यावरण को लेके वो काम नहीं हो रहा है। जी रजनीश, ये भी जानना चाहेंगे, गोमती नदी आप के उसके किनारे आप खड़े हैं, उसका जो जल है वो आप देख पा रहे होंगे, तमाम कवायद की जाती हैं कि सीधे नाले जो हैं, सीधे इंडस्ट्री का पानी जो है वो नदी में ना मिलाया जाए। इस वक्त क्या हालत है, क्या अभी भी जो नाले हैं और जो इंडस्ट्रीज का पानी है वो मिलाया जा रहा है? देखिए, जो FTP बनाई गई थी, नगर निगम का काम था FTP बनाना, जो सीवरेज का पानी होता है उसको ट्रीटमेंट करके ही गोमती नगर में डालने की योजना थी, लेकिन जो जिस योजना पे काम होनी थी बना जरूर, यहाँ पे 3-4 FTP बना, भरौरा में बना, लेकिन शिकायत है कि जो काम होना चाहिए उस पर काम नहीं हो पा रहा है। एक और FTP बनाया जा रहा है बगल में, लेकिन जो बनाने का स्पीड है, जो तय सीमा है, वो तय सीमा के बाद ही वो बन के तैयार हो पाएगा। जैसे कि मैं बता दूं कि मानसून चालू होने में मात्र कुछ दिनों का समय है और बरसात में कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो जाता है, तो सरकार जो भी प्लान बनाती है उसको मूर्त रूप देने में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ढिलाई बरती जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि लोगों के स्वास्थ्य पर असर हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि तमाम तरह के नियम कानून बनाए जाते हैं, प्रस्ताव पारित होते हैं, लेकिन जो प्रदूषण का स्तर है वो जस का तस रहता है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए रजनीश आपका। और इसी के साथ नेशनल वॉइस के न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित रंबापुरी जुड़ रहे हैं। रोहित, राजधानी लखनऊ में जानना चाहेंगे आपसे जल प्रदूषण जो है वो किस स्तर तक पहुंच चुका है, साथ ही जो वायु प्रदूषण है सबसे ज्यादा किस चीज के लिए खतरे की घंटी है, वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण, और वायु प्रदूषण में जो व्हीकल्स हैं वो किस प्रकार प्रदूषण फैला रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए क्या क्या कवायद करनी चाहिए? जी ऐसे मैं बता दूं आपको कि जैसा कि पर्यावरण, परिधन आवरण एक ऐसा आवरण जो कि हमारे मतलब
इस धरती को एक चारों तरफ से घेर रखा है वो एक हमारा आवरण है। अगर वही खतरे में पड़ जाएगा तो फिर आने वाली जो हमारी ये पीढ़ियाँ वो भी खतरे में रहेंगी। जैसे कि वायु प्रदूषण की बात हो रही है, तो अगर सरकार चाहे तो CNG पेट्रोल पंप और CNG से चलने वाले वाहन को बढ़ावा दे करके वायु प्रदूषण को कम कर सकती है, लेकिन आज भी आप देखिए कि राजधानी की सड़कों पर तमाम ऐसे जो है डीजल और पेट्रोल से संचालित वाहन है जो कि बहुत फराटे भर रहे हैं और CNG वाहनों की संख्या कम है, जिसका कारण ये भी है कि CNG पेट्रोल पंप का कम होना ये एक मुख्य कारण है। सरकार को इस मामले में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात प्रदूषण को लेकर जो है, एक अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक पिछली सरकार में भी ये कहा गया था कि पॉलीथीन पूरी तरह बैन कर दिया जाएगा, फिर जब ये दूसरी सरकार आई उसमें भी कहा गया पॉलीथीन बैन करने की बात कही गई, लेकिन आज भी पॉलीथीन आप देखिए धड़ल्ले से बिक रहा है, लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहले जागरूकता होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम खुद अपने पर्यावरण को लेकर के सचेत रहें, क्योंकि एक अध्ययन के मुताबिक ये पाया गया है कि 2030 तक मतलब अगर यही स्थिति रही प्रदूषण की तो शायद किसी और ग्रह में हमें जाना पड़ेगा, मतलब ये स्थिति आ गई है। रोहित, ये भी जानना चाहेंगे कि राजधानी लखनऊ में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस वक्त कितना है और उसका जो साफ पैमाना है वो कितना है? जी बता दूं कि इसको लेकर के सरकार को मतलब एक अपना ऐसा करना चाहिए कि आने आए जिससे जो हमारा हवा है वो शुद्ध रहे, इसके लिए सबसे अधिक पेड़ की कटान को रोकना चाहिए, पेड़ लगें और हमारा जो वायु हो शुद्ध हो इससे। जी रोहित, इसके अलावा जो पीने के पानी की शुद्धता है, पीने के पानी के जो मानक हैं वो भी दिन प्रतिदिन गिरते ही चले जा रहे हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि किस प्रकार के जो मानक हैं वो पीने के पानी के लिए होने चाहिए और राजधानी लखनऊ में कितने ऐसे एरियाज हम देखेंगे जहाँ पर ये जो मानक हैं ये खरे नहीं उतर पा रहे हैं। राजधानी के अभी अगर बात करें ग्रामीण इलाकों की, तो ग्रामीण इलाकों कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ये कह सकते हैं हम कि वाटर लेवल सामान्य तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि पूरी तरह ऐसा भी नहीं हुआ है कि वो नीचे चला गया है। वहाँ पे ये है कि मतलब पीने का शुद्ध पानी मिल जाएगा। और अगर हम शहरी इलाकों की बात करें, चौक हो गया, इंदिरा नगर और गोमती नगर, ऐसे कई रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है, फिल्टर करिए उसके बाद जो है आप वो पानी पी सकते हैं। और जहाँ तक बात रही नदियों को लेकर के, तो गोमती नदी में देखिए कि अभी यही जो कोकरेल बैराज बना है वहाँ पे देखिए किस तरह से पानी अभी भी गिर रहा है। और फिर उसके आगे जो भैंसा कुंड है उसके पास में देखिए एक नाला है जो आगे सीधे गोमती में मिल रहा है। तो इससे ये स्पष्ट है कि सरकार कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर या फिर जो नदियों का पानी शुद्ध है, शुद्धता को लेकर के कहीं ना कहीं संवेदनशील नहीं दिख रही है। बिल्कुल रोहित, सबसे ज्यादा खतरनाक जो है उसमें वो वाटर पोल्यूशन है, और वो भी तब ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब इंडस्ट्रीज के जो केमिकल निकलते हैं वो सीधे तौर पर इसमें मिला दिए जाते हैं। किस प्रकार के जो मानक है, कौन कौन से केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, कितने उनके मानक है और इनके दुष्प्रभाव किस हद तक पड़ सकते हैं आम जनता पर? देखिए इसमें ऐसे जैसे कि जो फैक्ट्री हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, जैसे अगर हम बात करें कानपुर ले लीजिए, कानपुर जैसे कि वहाँ पे गंगा है, गंगा नदी बहती है, और वहाँ पे देखिए कि शायद ही बड़े बड़े तमाम बड़े बड़े नाले ऐसे हैं जो वहाँ पे गिराए गए हैं। जब कुंभ था, कुंभ के दौरान जब संतों ने इसको लेकर के एक आंदोलन किया, ये कहा गया गंगा का पानी जो आचमन लायक भी नहीं बचा है, तो उसको सरकार ने सफाई के लिए कवायद शुरू की और उस दौरान किया गया कुछ दिनों के लिए नालों को बंद किया गया कि इसमें डायरेक्ट पानी ना आए गंगा में, लेकिन फिर भी ऐसा पता लगा, फिर उसको खोल दिया गया है। और जो कि पानी को लेके, जो नदियों को लेके जो बात की जा रही है, कई जगह पे बांध बनाए गए हैं, कई रोहित बिल्कुल आपने बात की कानपुर की और इंडस्ट्रीज की, जानना चाहेंगे आपसे वहां से सबसे ज्यादा केमिकल निकलता है, पानी में मिलता है, क्या मानक है उस केमिकल के कि वो कितने लेवल तक मिलाया जाए तब तक पानी जहर नहीं बनेगा या दूषित नहीं होगा, इस लेवल के ऊपर जो पानी है वो दूषित हो जाएगा? नहीं देखिए, जहाँ तक बात है तो उसमें ऐसे बहुत से हानिकारक तत्व हैं जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसान करते हैं, जैसे मिथाइल है, और उसके बाद में ऐसे कई ऐसे जो गए वो मिलते हैं, मतलब पदार्थ हैं जो कि अगर वो पानी में मिल जाएंगे तो उससे हमें जो हमारी जो पीने की जो क्वांटिटी है, शुद्धता है उसकी पानी को, वो शुद्ध नहीं रह जाएगा। और इससे हमें चूँकि ये हुआ जल हुआ, वायु हुआ, ये सब हमारे रोजमर्रा की ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें लेना ही लेना, हर हाल में किसी भी स्थिति में रहें तो हमें पानी पीना है। और जो कि अब ये स्पष्ट है कि पानी ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाएं और मतलब कि नल से डायरेक्ट पानी लो पी लें, क्योंकि पानी बहुत ही प्रदूषित हो चुका है। बिल्कुल, सभी राजधानियों का, सभी बड़े बड़े जो जिले और शहर हैं उनका यही हाल है इस वक्त जल प्रदूषण को लेकर के। धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम लगातार अपने संवाददाताओं से जुड़ रहे हैं और आपको तमाम जानकारी दे रहे हैं।
आइए अब हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता, आपसे भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार आप वहां हवा और पानी का जो प्रदूषण है वो देख पा रहे हैं। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से जुड़ने की, आपको हर जिले की जानकारी देंगे वहां के प्रदूषण सूचकांक की। बता दें आपको कि आज दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने पौधारोपण का भी एक अनूठा अभियान चलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात हमने सुनी, उनका कहना था कि जो प्रकृति है हम हमेशा से ही उसको सजीव मानते आए हैं, इसीलिए इस अभियान के तहत पौधारोपण लगाने के साथ साथ उस लगाए गए पौधे के साथ अपनी सेल्फी खींचकर मंत्रालय को भेजनी होगी। फिलहाल इस अभियान की जो शुरुआत है वो पर्यावरण भवन में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे कपिल देव और बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ पौधारोपण के साथ अपनी सेल्फी भेजकर करेंगे। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को सेल्फी विद सैपलिंग नाम से इस अभियान को चलाए जाने का ऐलान किया है और लोगों से यहां पर्यावरण की हिफाजत के लिए इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की मांग की है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है और लोगों से पर्यावरण संरक्षण की अपील की है। तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर के सरकार की तरफ से पहल की जा रही है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, लेकिन जिस हिसाब से हम प्रदूषण फैला रहे हैं अपनी धरती पर, तो 365 में से सिर्फ एक दिन ही नहीं, सारे दिन जरूरी है अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए।